आरा जिले के दो थाना क्षेत्रों में विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर एक्सीडेंटल फायरिंग होने से बच्ची सहित दो लोग घायल हो गए। पहली घटना पीरो थाना क्षेत्र के जमुआ गांव की है, जहां विश्वकर्मा पूजा के दौरान अवैध हथियार की पूजा करने के दौरान एक्सीडेंटल फायरिंग होने से मुन्ना कुमार पांडे की पुत्री आयुषी कुमारी जख्मी हो गई। घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया, वहीं फायरिंग की घटना के बाद आरोपी फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पीरो थाने की पुलिस घटना स्थल पर पहुंच घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया, लेकिन परिजन घायल का इलाज निजी नर्सिंग होम में करवा रहे हैं। स्थिति फिलहाल सामान्य बताई जा रही है। पुलिस FIR दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। आरोपी फिलहाल घर छोड़कर भी फरार हो गया है। दूसरी घटना उदवंत नगर थाना मिल की हरेराम सिंह का 14 साल का बेटा मनोरंजन कुमार घायल हो गया। विश्वकर्मा पूजा में मनोरंजन कुमार उसका दोस्त हथियार की पूजा कर रहे थे। इसी क्रम में दोनों के बीच आपस में हथियार की छीना झपटी हो गई। उसी क्रम में फायरिंग हो गई, जिसमें मनोरंजन कुमार घायल हो गया। आनन फानन में परिवार के लोगों ने घायल को आरा निजी क्लिनिक में इलाज के लिए उदवंत नगर थाने का है जी, लेफ्ट अपर थाई में गोली लगी थी, उसकी वजह से मेन खून की नली कट गई है, एकदम बिल्कुल ब्लड काफ़ी लॉस हो चुका है, तो बड़ा मुश्किल से हम लोग बीपी वगैरह रिवाइव किए हैं, तो इन ब्लड निकलवाया गया है, खून की नली को रिपेयर कर दिया गया है, लेकिन वो बच्चा अभी सीरियस है, हो सकता है उसके पैर के नीचे की ब्लड की सप्लाई ख़त्म हो गई हो, तो अभी हम लोग सीटी स्कैन करा के आप लोगों को बताना है कि अभी हम लोगों ने इसमें इस बारे में सूचना संकलन किया है, तो पता चला कि पीरो और उदवंत नगर से दो जगह से आज विश्वकर्मा पूजा को लेकर जो है जो हथियार का पूजन वगैरह या लोहे का या गाड़ियों का होता है, उसी क्रम में जमुआ में भी जो है एक व्यक्ति अपना जो है हथियार जो अवैध हथियार था उससे जो है अपना पूजन उसका कर रहा था विश्वकर्मा पूजा का, तभी जो है एक्सीडेंटल उससे फायरिंग हुई, तब उसके ट्रिगर दब गया, जिसकी वजह से उसकी अपने घर की जो एक लड़की थी उसको गोली लग गई और गोली आसपास निकल गई, और उसके बाद उसको हॉस्पिटल में लाया गया और इलाजरत है फिलहाल, वो लड़की खतरे से बाहर है, लेकिन पुलिस उसमें तुरंत एक्टिव हो गई है और प्राथमिकी दर्ज करके अभियुक्त के लिए गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत है, अभी तभी घर से फरार है, बहुत जल्द इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। और ऐसे ही एक मामला जो है उदवंत नगर में भी आया है, जहाँ पे ये हथियार पूजन के समय ही एक्सीडेंटल रूप से गोली चलने से एक व्यक्ति को गोली लगी है, और वो भी जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाजरत है, उसमें भी प्राथमिकी दर्ज करके अभियुक्त गिरफ्तारी का जो है प्रयास किया जा रहा है।